गुड मॉर्निंग। वे आज अपना मेलन के वक्त प्रस्ताव क्षेत्र प्रश्न आई है 13.2 प्रश्न नंबर 6 चौथा प्रश्न है एक लग्न के मेलन का वक्त प्रश्न के क्षेत्र पर एक लंब वृत्तीय बेलन का एक लंबी बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्र पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बल 4.4 m² है। 4.4 वर्ग मीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन है उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है 4.4 मीटर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या क्या दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के का वक्र पृष्ठ अपने को दिया हुआ है और बेलन के की त्रिज्या दी हुई है और अपने को उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं। माना वक्र पृष्ठ के उसका सूत्र क्या था बेलन के वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल इक्वल टू 2πRh कितना था बेलन के वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल 2πRh तो 2πRh इक्वल टू कितना है 4.4 क्षेत्रफल होता क्या है 2πRh। अब h इज इक्वल टू 4.4 बटा 2πR h इज इक्वल टू 4.4 यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 2πR या h इज इक्वल टू 4.4 बटा 2πR का मान 22/7 ऊपर चले गए इनटू r r कितनी अपने को दी हुई थी आधार की त्रिज्या कितनी है 0.7 तो पॉइंट सर अब इस पॉइंट से तो ये पॉइंट अंधेर अब इसको सरल कर लो और सात से सात करके 22 का बड़ा 2 बार 44 दो से एस बराबर क्या आया 1
एक मीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर एक मीटर, ये इसके तार। बेलन की ऊंचाई क्या कितनी आई? एक मीटर। ये ही अपने को याद करना। सीधी सी बात थी कि बेलन का वर्णन दिया हुआ है, उत्तर क्या होता है, तो मैं यह मान रख दिया। आर अपने को दी हुई थी और अपन ने इसका मान याद कर लिया, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? एक मीटर। मिटा दो। साफ़ता है किसी वक्रता का आंतरिक व्यास। प्रश्न नंबर 7, किसी वक्रता का व्यास 3.5 मीटर गहराई, गहराई है 10 मीटर। तो ज्ञात करो वर्षाकाल हुआ है, उसका व्यास को दिया हुआ है, उसकी गहराई दी हुई है 10 मीटर। कुएं की गहराई क्या होती है? उसकी ऊंचाई है, इसका मान कितना है? 10 मीटर। क्या ज्ञात करना है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा 40 रुपए पर वक्र पृष्ठ पर 10 प्राणी का वेग, 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर से वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ पर क्या करना है? प्लास्टर का वे, ये दो चीजें क्या थी? ये दो चीजें अपने को याद करनी। अब देखो उसका व्यास 3.5 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? आर इक्वल टू 3.5 बटा 2 पॉइंट डाया तो 0। ये आ गई आर, आ गई ना। एच कितनी है? यानी कुएं की गहराई उसकी ऊंचाई होती है। एच है 10, एच है 10। तो अपने को क्या याद करना? आंतरिक
वक्र पृष्ठ का 2πRh क्या है? 2πRh है ना। अब इसको मान लो 2 × 22/7 इंटू आर कितनी 35/20 इंटू एच कितनी 10। 2 × 22/7 इंटू 35/20 गुना 10। अब आठ जीरो से जीरो दो से सात पूछो 35, बाई पूछो 110 वर्ग। तो उस कुए का आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया 110 वर्ग मीटर। अब अपने को एक उत्तर तो आ गया, एक तो आंतरिक वक्रपृष्ठ पूछता था वो उत्तर अपन ने निकाल दिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है ना, क्योंकि एक वर्ग मीटर के कितने लगते हैं 40, तो 1110 के कितने लगेंगे? क्योंकि एक वर्ग मीटर प्लास्टर का वे बराबर 40, एक वर्ग मीटर प्लास्टर कराते हैं तो कितने रुपए लगते हैं 40, और अपने को करवाना कितने पर है? अपना जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था वो 110, इसलिए 110 वर्ग मीटर प्लास्टर का वे बराबर 40 × 110 गुणा कर 0 × 0 = 44 तो कुल प्लास्टर कराने का वे कितना आया 44। ठीक है बेटा, दो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से आप इसको अपन हल कर लें।
व्यास वाला पांच सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना प्रश्न है? इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कितना गर्मी देने वाला कितना प्रश्न है? अब देखो, सबसे पहले ये जो संयंत्र है उसमें गर्मी कितने भाग को देगा? इस संयंत्र में गर्मी देने वाला भाग उस जो बेलनाकार पाइप है जिसकी लंबाई और उसका व्यास अपने को दिया हुआ है, उसका जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो ही भाग गर्मी देने वाला भाग होगा। तो इसमें 28 मीटर लंबा है ना, तो एस तो कितनी है? हल प्रश्नानुसार एच इज इक्वल टू 28 मीटर है ना, और व्यास दिया है 5 सेमी। व्यास कितना दिया? 5 सेमी व्यास दिया अपने को, 5 सेमी। आग कितनी आ जाएगी? 5/2 सेमी। आग आधी होगी ना, त्रिज्या व्यास की आधी है, तो त्रिज्या कितनी है? 5.2 सेमी अपने को एस दे दी। पर इसमें देखो, जब जूनियर अपन ने ये प्रश्नावली प्रारंभ की थी तो अपन ने एक बात सीखी थी कि पूरे प्रश्न की इकाई एक समान होनी चाहिए, या तो सभी मीटर में हो या सभी वैल्यू सेंटीमीटर में हो। अब देखो, ये तो सेंटीमीटर में है, ये किसमें है? मीटर में। तो इसके अपन सेंटीमीटर बना लो या इसके मीटर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 28 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? सौ से गुणा करते हैं। तो कितने सेंटीमीटर बने हैं? 28 को सौ से गुणा किया, 250 इतने सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में। अब अपने को समझने की बात यह है कि गर्मी देने वाला कितना पृष्ठ ये क्षेत्रफल होगा, ये उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर गर्मी देने वाला पृष्ठ होगा। तो गर्मी देने वाला प्रश्न इज इक्वल टू 2πRh। क्यों? पाइप कैसा है? बेलनाकार है। पाइप कैसा है? बेलनाकार। अब मान लेते हैं 2 × 22/2
आर इंटू आर कितनी पांच बटा दो इंटू एच कितनी अट्ठाईस। कोई दिक्कत नहीं रही आज तक। अब इसको सरल कर लो, इसको सरल करेंगे तो इस दो से तो दो घंटे सात सौ अट्ठाईस। अब पांच सौ का बीस, बीस को बाईस से गुणा कर दें तो कितने आए चार सौ चालीस, चार सौ दो जीरो ले भाई। ऐसी करो से बाई पूछो इसको दस, बाई पूछो एक सौ दस, एक सौ दस को इसे गुणा करो तो तीन जीरो कर दो, तीन जीरो आ गया ग्यारह चौका वर्ग इतने वर्ग से निभाग गर्मी देगा। और ये तो वर्ग सेंटीमीटर में अपने निकाल दिया, और यदि वर्ग मीटर में निकाले तो इसमें वर्ग सेंटी के वर्ग मीटर बनाने के लिए सौ गुना सौ का भाग देते हैं। इज इक्वल टू सौ गुना दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या आया चार पॉइंट चार वर्ग मीटर। ये इसके उत्तर इस तरह से अपन याद कर, ठीक है।